नमस्कार दोस्तों, 1980 के दौर में वेस्टइंडीज़ के पूर्व तेज गेंदबाज मेलकम मार्शल को दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में गिना जाता था, जिसमें मेलकम मार्शल ने 1983 से 1991 तक पूरी दुनिया के बल्लेबाजों के दिल में मेलकम मार्शल नाम का खौफ पैदा किया था, जिसमें खासकर वह भारतीय बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर के सामने तो मार्शल काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी करते थे। और इसका मुख्य कारण था मेलकम मार्शल और दिलीप वेंगसरकर के बीच एक घातक दुश्मनी। और इस दुश्मनी की शुरुआत होती है जब मेलकम मार्शल अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 1978 में बेंगलोर से शुरू करते हैं, लेकिन ये मैच उनके करियर का सबसे बुरा और बदनसीब मैच था, जिसमें भारत के खिलाफ वह बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जिसमें वह बताते हैं कि मैं बल्लेबाजी करने के लिए उतरा, जिसमें चंद्रशेखर की एक गेंद को मैंने खेला और वो गेंद पेड़ से जा लगी, और तभी वेंगसरकर ने कैच की अपील की लेकिन एम्पायर ने मुझे आउट नहीं दिया, जिसके बाद एक दो गेंद खेलने के बाद गेंद फिर पेड़ से जा लगी और तभी दिलीप वेंगसरकर ने एम्पायर से आउट की अपील की, एम्पायर ने तुरंत आउट दे दिया। यह देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं आउट था ही नहीं, जिसके बाद मैं इस बेईमानी के लिए वेंगसरकर को जिम्मेदार मानता था और मैंने वेंगसरकर से बदला लेने का मन बना लिया। इस घटना के बीच जाने के बाद सन 1982 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर थी, जिसमें दिलीप वेंगसरकर भी शामिल थे, जिसके बाद मुझे दिलीप से बदला लेने का मौका मिल गया। दिलीप एक टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 रन पर खेल रहे थे, लेकिन मेलकम मार्शल ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए दिलीप वेंगसरकर को शतक नहीं बनाने दूंगा, जिसके बाद मैंने दिलीप वेंगसरकर पर बाउंसरों की बौछार शुरू कर दी, जिसमें एक गेंद उनके हेलमेट पर जा लगी। यह देखते ही दिलीप को गुस्सा आ गया और मेलकम मार्शल की एक बाउंसर बॉल पर दिलीप ने हुक शॉट खेला, लेकिन वह बाउंड्री पर खड़े एक फील्डर से कैच आउट हो गए और 81 रन पर आउट हो गए, जिसके बाद मैंने अपना बदला पूरा किया। तो दोस्तों, दिलीप वेंगसरकर और मेलकम मार्शल के बीच हुई यह रोचक घटना आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।